저는 참을 수 없어. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एनीबडी कैन कुक विद सेबी। आज मैंने ज़बरदस्त सा मूंग दाल का हलवा बनाया है, बहुत टेस्टी बना है और बहुत आसानी से बन के तैयार हुआ है। आप भी जानना चाहते हैं कि यह हलवा मैंने कैसे बनाया है तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। मूँग दाल का हलवा बनाने के लिए हमने एक बोल दाल को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और अब मैंने इसे ड्रेन कर लिया है। इस बोल के नाप से मैंने दाल ली थी और अब इसी के ही नाप से मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स लूँगी। अब हम एक पैन में दाल को ऐड कर देंगे। और एक बोल हम इसी में मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क हमने उसी बोल के नाप से लिया है जिससे हमने दाल ली थी। दाल को हम ढककर मिल्क के ड्राई होने तक पकाएंगे। थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर है, हम इसे 1-2 मिनट और पकाएंगे और बिल्कुल दाल को ड्राई कर लेंगे। दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और दाल को ठंडा होकर इसको हम पीस लेंगे। इतनी हमारी दाल ठंडी होती है, हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। यहाँ पर हमने सेम वही बोल यूज़ की है, 1 बोल शुगर और 1 बोल ही हम पानी ऐड करेंगे और इसकी एक सिंपल चाशनी तैयार कर लेंगे। हम 3 अदद इलायची डाल देंगे। शुगर सिरप तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमने दाल को इस तरीके से ग्राइंडर में पीस लिया है। अब हम एक पैन लेंगे। यहाँ पर हमने सेम वही बोल यूज़ की है, 1 बोल देसी घी लिया है, हम पैन में वो डाल देंगे और इसमें दाल ऐड कर लेंगे। और घी में अच्छे से हमें दाल को भूनना है। मीडियम फ्लेम पे हम दाल को खूब अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए हमें दाल को अच्छे से भूनना है। दाल हमारी अच्छे से भून चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को स्लो करते हैं और चाशनी ऐड करेंगे। और इस तरीके से हम चम्मच चलाते हुए दाल को चाशनी में मिक्स करेंगे। इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। मैंने इसमें 1 पिंच फूड कलर भी ऐड किया है। हलवा हमारा तैयार है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। और मिक्स करेंगे। हमारा जबरदस्त सा मूंग दाल हलवा बनके तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और इसे गर्म गर्म सर्व करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।